की बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दशानन की तरीके से 10 सर है। एक सर माननीय सीबी पांडे जी का है, बड़ा अच्छा है, वो बहुत अधिकृत है, बाकी सारी चीजें हैं, उनकी भाषा शैली पर भी बड़ा अच्छा नियंत्रण है, प्रभाव है, स्वभाव है, सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ संगीत सोम जी हैं, बजरंगी विनय कटियार जी हैं, या साक्षी महाराज हैं, साध्वी निरंजना हैं, ये इनकी पार्टी में रहते हैं, कहते हैं कि हम इनकी बयान से किनारा करते हैं लेकिन पार्टी में भी रखते हैं, क्योंकि समय समय पर आग उगलने का काम जो आता है, जब मुंह से आग निकालनी होती है तो इनको आगे लगाया जाता है, उस वक्त ही इनके बयान अधिकृत हो जाते हैं जी। कि यात्रा शोभा यात्रा नहीं, अगर डीजे नहीं बजेगा तो शव यात्रा हो जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री जी का ही बयान है। यहां पर जो सारी बातें होती है, आज से 15-20 दिन पहले जब ताजमहल को उत्तर प्रदेश की हेरिटेज की किताब से, पर्यटन की किताब से निकाला गया था, तो जिन लोगों ने उनको निकाला था उनके खिलाफ तो विभागीय कार्रवाई या भाजपा ने कार्रवाई करनी चाहिए थी, मंत्री जी के खिलाफ भी और विभागीय अफसरों के खिलाफ भी। उनके खिलाफ अगर आपने एक लाइन लिखी हो, चलिए वो तो भाजपा के, वो तो सरकार की बात थी, उनके लिए अगर आपने एक भी लाइन लिखी हो तो बता दें। आज की डेट में बहुत स्पष्ट रूप से ये है कि ये शाहजहां की संपत्ति की बात करके शाहजादे की संपत्ति को छुपाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। इस विवाद के मूल में शाहजहां की संपत्ति की चर्चा करके शाहजादे की संपत्ति जो 16,000 गुनी बड़ी है उसको छुपाने का कुत्सित प्रयास है। यहां पर अल्पसंख्यकों के नाम पर ताजमहल से अल्पसंख्यक का क्या मतलब है? भारत की धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, सारी धरोहर है, लेकिन उसको इस तरीके से हिट करके एक तुष्टिकरण की बात करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि भारत का पर्यटन का महत्व पूरी दुनिया में ताजमहल एक उसका प्रमुख हिस्सा है, और इस बात को केंद्र सरकार भी